बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक नंबर 2.3 का प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का ही नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। इसको डिफाइन किया जाता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और इसके साथ एक नॉर्मल एन यूनिट वेक्टर आता है। देखें, हमने क्लियर किया था कि ए क्रॉस बी से जवाब एक वेक्टर आना चाहिए, तो ऑब्वियसली जो भी चीज वेक्टर होगी उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो ये एन यूनिट वेक्टर न्यू बनने वाले वेक्टर की डायरेक्शन को मेंशन करता है, इसे नॉर्मल यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। इस यूनिट वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर वाले पेज पर भी देख सकते हैं और इसकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। ये नॉर्मल टू द एरिया इसकी डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन दोनों तरफ हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। अब इस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए राइट हैंड रूल ये यूज किया जाता है। जैसे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी एट एन एंगल थीटा। अगर आपसे कहा जाए फाइंड ए क्रॉस बी, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे ये दो बोर्ड मार्कर्स हैं, तो ये ब्लू ए वेक्टर है और रेड बी वेक्टर है। अब आप ए क्रॉस बी करेंगे तो यू विल रोटेट वेक्टर ए टूवर्ड्स वेक्टर बी। थंब जो है ये इस यूनिट वेक्टर को पॉइंट आउट कर रहा है कि नया वेक्टर किस डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे आप, तो ए क्रॉस बी की ये डायरेक्शन होगी अपवर्ड। सो दिस इज द आंसर ऑफ ए क्रॉस बी। इसी तरह आपसे कहा जाए बी क्रॉस ए फाइंड करें, तो बी क्रॉस ए आंसर से नया वेक्टर बनेगा। सो वेक्टर बी को आपने वेक्टर ए की तरफ रोटेट करना है, तो थंब इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड। पॉइंटिंग डाउनवर्ड का मतलब ये है कि इस वेक्टर को आप ड्रॉ करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बी क्रॉस ए। हमने इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम नहीं है तो वो इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। सो पहला पॉइंट कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये नॉन कम्यूटेटिव होता है। फिर इस तरह देखेंगे आप पूरे वेक्टर ए को पूरे वेक्टर बी या बी के साइन कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां से आप अगर एक डॉटेड डायग्राम देखें तो आप एक पैरेललोग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पॉइंट बुक के इस टॉपिक के लास्ट में लिखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एंड रिमेंबर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बट लुक, अगर इसी वेक्टर को मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज करके उसी वेक्टर के पैरेलल आ जाएगा। पैरेलल भी है, इक्वल भी है, सो वी कैन राइट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। यानी अगर आप ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल आएगा। इसको आगे मैं फर्दर एग्जांपल में इलस्ट्रेट करूंगा। अब इसकी डेफिनेशन को लेकर चलते हैं साइन थीटा से। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान एंगल होता है 0 डिग्री। ए क्रॉस बी ए बी साइन 0 डिग्रीज मींस आंसर विल बी इक्वल टू 0। सो लुक, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के विल बी इक्वल टू 0। आपको याद हो तो पिछले टॉपिक में यही चीज आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट ए 1 के इक्वल थी, लेकिन यहां पर आई इंटू आई, जे इंटू जे और के इंटू के 1 नहीं है, 0 आ रहा है। अब आते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स पर। आपके पास एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, दोनों 90 डिग्री पर अलाइन है, तो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए बी साइन 90 डिग्री। साइन 90 है 1, सो यू विल गेट द आंसर ए क्रॉस बी ए बी इंटू यूनिट वेक्टर। इट मींस परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम आंसर देता है, जबकि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आंसर देता है। सो ये भी याद रखना है कि आई और जे परपेंडिकुलर, जे और के परपेंडिकुलर, के और आई परपेंडिकुलर। अगर हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो व्हाट कुड बी द आंसर। इसके लिए आपने ये ओरिएंटेशन याद रखनी है कि ये आपके पास एक्स और वाई प्लेन और ये आपके पास है जी प्लेन। ये तीन वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर,
अब आपके पास लिखा है आई क्रॉस जे, फिर इसी तरह जे क्रॉस के क्रॉस आई, फिर मैंने इसी ऑर्डर को रिवर्स किया, जे क्रॉस आई के क्रॉस आई जे क्रॉस के। पहले इन तीन आंसर्स को देखते हैं। आई क्रॉस जे यानी वेक्टर आई को वेक्टर जे से मल्टीप्लाई करना है, तो आई को जे से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो देखिए थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, के डायरेक्शन में, तो यू कैन से दैट आई क्रॉस जे विल लीड टू आंसर के। सिमिलरली अगेन द थ्री वेक्टर्स, अब देखें आपने जे वेक्टर को के से मल्टीप्लाई करना है, जे क्रॉस के, तो अगर आप जे वेक्टर को के की तरफ रोटेट करते हैं तो आपका थंब आई की तरफ पॉइंटेड है, इट मींस जो आंसर है वो आप आई डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। एंड सिमिलरली अब आपने के क्रॉस आई करना है, के क्रॉस आई, तो के को आई की तरफ रोटेट करें, थंब जे डायरेक्शन में पॉइंटेड है, तो के क्रॉस आई विल गिव यू आंसर जे। अब देखें आपने एक टॉपिक पॉइंट पढ़ा था कि ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, ये ए क्रॉस बी है, ये बी क्रॉस ए की शेप में है, तो इसका आंसर आएगा माइनस के, के क्रॉस आई का आंसर आएगा माइनस आई, के क्रॉस जे का आंसर माइनस आई, और आई क्रॉस के का आंसर आएगा माइनस जे। अब इस पैटर्न को याद रखने का आसान तरीका, आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के, जे क्रॉस के इक्वल्स टू आई, एंड के क्रॉस आई इक्वल्स टू जे, आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे सारे आंसर्स पॉजिटिव आएंगे। इसी तरह आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, एंड जे क्रॉस आई माइनस के, तमाम आंसर्स नेगेटिव आएंगे। तो इस पैटर्न को ध्यान में रखें, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे पॉजिटिव आंसर्स आएंगे, क्लॉकवाइज देंगे तो नेगेटिव आंसर्स आएंगे, और इन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट्स, आपके पास ए और बी वेक्टर्स के तीन तीन कंपोनेंट्स हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में अब वो आसानी नहीं है कि आप आई को आई से, जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं। देखें आई क्रॉस आई जीरो है, ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर जीरो हो जाएगा, आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर के आएगा। तो इसका आसान हल बुक में ये बताया कि आप डिटर्मिनेंट मेथड यूज करें, उसके लिए आपने प्रोसेस ये करना है कि सबसे पहली रो में आपने तीनों यूनिट वेक्टर्स लिख देने हैं आई जे और के। दूसरी बात, पहले ए लिखा है तो ए के कंपोनेंट्स लिखें, आई के नीचे एक्स कंपोनेंट, जे के नीचे वाई कंपोनेंट, के नीचे जी कंपोनेंट। बाद में बी लिखा है तो आई के नीचे एक्स, फिर वाई और फिर जी कंपोनेंट। अब आपने क्या करना है कि आपने आई सिलेक्ट करना है, आई जिस कॉलम में है उस कॉलम को भी छोड़ दें, आई जिस रो में है उस रो को भी छोड़ दें, आपके पास ये चार डिजिट्स बच रहे हैं। आपने लेफ्ट साइड से प्रोडक्ट स्टार्ट करना है ए वाई बी जेड, फिर आपने दरमियान में माइनस साइन, ए जेड बी वाई, ये आपका आई प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर आपने सिलेक्ट करना है जे। डिटर्मिनेंट में फर्स्ट एलिमेंट होता है पॉजिटिव और सेकंड एलिमेंट होता है नेगेटिव, सो मैंने जे के लिए नेगेटिव साइन यूज किया है। अब जे जिस कॉलम में है, जे जिस रो में है उसे छोड़ दें, आपके पास ये चार कंपोनेंट्स आ गए। लेफ्ट साइड से ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, इसी तरह अब आप के कंपोनेंट या के यूनिट वेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, तो के जिस रो में है और के जिस कॉलम में है, ये छोड़ने पर ये चार एलिमेंट्स बचते हैं। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। बुक में आपको यहां पर प्लस साइन मिलेगा, लेकिन बुक में आपको ये ऑर्डर भी चेंज मिलेगा, ये फैक्टर यहां और ये फैक्टर इस जगह पर लिखा होगा जस्ट बाय टेकिंग माइनस कॉमन। सो ये है हमारे पास वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, इसकी प्रॉपर्टीज को डॉट प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करें, दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।